खाना खाने के बाद आपको थोड़ा सा 3 से 4 ग्राम की मात्रा में आपको सौंफ ले लेना है, 1 से 2 ग्राम की मात्रा में धागे वाली मिश्री ले लेना है। ये दोनों सामग्रियों को ले लेना है, लेके आपको खा जाना है। खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। पानी अगर आपको पीना है तो आप 1 से 1.5 घंटे बाद आप पानी पिए, और उस टाइम आपको पानी नहीं पीना, खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है। और इस क्रिया को आपको सुबह और शाम दोनों टाइम करना है। तो आलसपन जो आता है आपके बॉडी में, आलसपन आना बिल्कुल बंद। दोस्तों मैं प्रेम नाथ हूँ, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी का देसी नुस्खा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा आलस आता है। हमारी बहुत सी माताएं हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा आलस आता है, काम करने का मन नहीं करता है। किसी भी काम को करते हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा आलसपन रहता है, और आलसपन की वजह से उनको काम करने का मन नहीं करता। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि अपने आलसपन जैसी बीमारी को बिल्कुल जड़ से कैसे ख़त्म करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको पूरे वीडियो में बने रहना है, एंड तक आपको वीडियो देखना है कि आलसपन को बिल्कुल जड़ से कैसे ख़त्म कर देना है और अपने बॉडी में फुर्ती और चुस्ती लाना है। हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं कि जो खाना खाते हैं, खाना इतना आलसपन रहता है उनके अंदर कि खाना खाने के बाद वो उठते ही नहीं, वहाँ से वहीं पे लेट जाएंगे, वहीं पे सो जाते हैं, वहाँ से उठते ही नहीं हैं, मोबाइल लेके वहीं पे सो जाते हैं। दोस्तों इतना आलसपन सही नहीं है हमारी सेहत के लिए। आलसपन हम अपने अंदर खुद लेके आते हैं, क्योंकि दोस्तों आलसपन आता कैसे है? अगर हम खाना खा के तुरंत उठ जाएंगे तो हमारे अंदर आलसपन नहीं आएगा। खाना खा के उधर ही बैठे रहते हैं, या सुबह सो के उठते हैं तो बिस्तरा में बैठे रहेंगे, अपना उठने के बाद उधर बिस्तरे में बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, दिमाग में उल्टा सीधा दिमाग चलता रहेगा, तो आलसपन आपको आना ही है। दोस्तों आप एक नियम बना लो, किसी भी चीज़ का अगर आप नियम बना लेते हो तो आपके अंदर आलसपन बिल्कुल नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या रहेगा, अगर आपको नियम बनाना है तो उसके लिए सुबह उठो, उठने के बाद आपको अपने बिस्तरे में बिल्कुल नहीं बैठना है, उठने के बाद आपको तुरंत खड़ा हो जाना है, खड़ा होने के बाद जो काम आपको करना है उस काम को करने लग जाइए आप तुरंत, आपके बॉडी के अंदर आलसपन बिल्कुल नहीं आएगा। और आप सो के उठते हो, उठने के बाद आप बैठे रहते हो बिस्तरा में, अपना बिस्तरे में बैठे रहोगे तो आलसपन आपको ऑटोमेटिक आपके अंदर आने वाला। और दोस्तों अगर उसके बाद भी आपके अंदर आलसपन आता है, दोस्तों आलसपन क्यों आता है, हम अपने आप तो बनाते ही हैं उसको, उसकी आदत लगाते हैं आलसपन की, तब हमारे अंदर आलसपन जैसी बीमारी या आलसपन पनपता है। तो उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको करना क्या है, आलसपन का मतलब ये होता है दोस्तों हम खुद बनाते हैं आलसपन को। कभी कभी ऐसा होता है कि आलसपन कमजोरी रहती है हमारे बॉडी के अंदर तो भी आलसपन आता है। दोस्तों अगर कमजोरी रहेगा तो भी आपके अंदर आलसपन आने वाला है और आप आलसी बनोगे। आलसपन के लिए आपको करना क्या है कि दोस्तों आपको सबसे पहले तो अपने खाने को अच्छे से खाना है, टाइम टाइम से खाना है, अपने खाने को टाइम टाइम से खाना है, अपने खाने पे थोड़ा ध्यान देना है, अपनी सेहत पे ध्यान देना है, और आपके बॉडी के अंदर जान रहेगी, एनर्जी रहेगी आपके बॉडी के अंदर, तो आपके अंदर आलसपन नहीं आएगा। और थोड़ा आपके ऊपर भी डिपेंड रहता है कि आपको आलसपन अपने अंदर बिल्कुल नहीं पनपने देना है, क्योंकि जो काम करना है हमको ही करना है, आपको ही करना उस काम को, तो उस काम को फटाफट कर लेना चाहिए। अगर बैठे रहोगे तो आपके अंदर आलसपन नहीं आएगा, ये कमजोरी की वजह से आपके अंदर आलसपन है। तो उसके लिए मैं ये छोटी सी औषधि लेके आया हूँ, उस औषधि का इस्तेमाल करके आपको आलसपन जैसी बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देनी है। तो आपको करना क्या है कि ये जो देख रहे हो आप औषधि, इसको आपको ले लेना है, तो ये सौंफ, और इसके साथ में एक सामग्री और लेना है, धागे वाली मिश्री। दोस्तों धागे वाली मिश्री आपको आराम से मिल जाएगी, सौंफ भी आपको आराम से मिल जाती है, पंसारी की दुकान पे आराम से मिल जाती है ये सारी सामग्रियाँ जो होती हैं आयुर्वेदिक सामग्रियाँ। तो आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, दोस्तों जब आप खाना खाते हो, रात को खाना खाते हो, खाना खाने के बाद 3 से 4 ग्राम की मात्रा में आपको सौंफ ले लेना है, और 1 से 2 ग्राम की मात्रा में धागे वाली मिश्री ले लेना है। ये दोनों सामग्रियों को ले लेना है, लेके आपको खा जाना है। खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। पानी अगर आपको पीना है तो आप 1 से 1.5 घंटे बाद आप पानी पिए, और उस टाइम आपको पानी नहीं पीना, खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है। और इस क्रिया को आपको सुबह और शाम दोनों टाइम करना है। खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आपको ये दोनों सामग्री का आपको सेवन करना है। दोस्तों अगर ऐसा आप करते हो कुछ दिनों तक, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों, इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आपके बॉडी को। अगर दोनों टाइम करते हो सुबह शाम, कुछ दिनों तक आप करते रहे, तो आपके बॉडी में सबसे पहले तो
आपके बॉडी में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली दोस्तों। आलसपन जो आता है आपके बॉडी में, आलसपन आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। और आपके बॉडी में आपके मुंह से बदबू जो आती है, आपके पसीने से जो बदबू आती है, ये आपके मुंह से बदबू आना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और आपके पसीने से जो बदबू आती है, पसीने से बदबू आना भी ख़त्म हो जाएगा इस औषधि का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों ये रही आज की जानकारी। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर कर दे ताकि ज़रूरतमंद तक वीडियो पहुंच सके, वो भी इस औषधि का लाभ ले सकें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।